अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फ़ज़ल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर एक बहुत आज आपके साथ ये अहम वीडियो है मेरी, आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है, कुछ हकायक। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, इतनी अहम वीडियो है तो मैंने ये ऐनक क्यों लगाई हुई है। ये इसलिए नहीं लगाई कि मैं वो अली अज़मत की तरह रॉक स्टार हूँ और मैंने वो सिंगिंग कॉन्सर्ट पर आके तो ऐनक लगा के आ गया हूँ। ये शौकिया वो रात को भी लगा लेते हैं ना कमरों के अंदर, ये वो चक्कर नहीं है। एक्चुअली बात थोड़ी लंबी है लेकिन मैं समरी ये सिर्फ बता दूँ कि आज मेरे काफ़ी टेस्ट हुए हैं आँखों के भी, तो उसमें कुछ दवाइयाँ डली थी मुख्तलिफ टेस्ट से, तो उसमें एक टेस्ट के अंदर दवाई डली थी जिसकी वजह से वो 7-8 घंटे मैं रोशनी फेस नहीं कर पा रहा, तो मतलब मेरी आँखें नहीं खुल रही और शुक्र अभी दिमाग चल रहा है, तो वो काफ़ी मतलब अन्ना अन्ना हुआ था, तो वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। तो मैं ऐनक लगाई जब, तो मैंने देखा कि मैं अब एटलीस्ट थोड़ा सा बैठ के तो बोल सकता हूँ और इस पर बात कर सकता हूँ, जो कि बड़ा ही एक अहम चीज़ है और मैं इस पर बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना चाहता। तो अब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सपोर्ट करें नूर मुकद्दम के केस को, और इनको छोड़ना नहीं है जो भी सूरत हाल हो, ठीक है। तो मैं इस सूरत हाल में भी नहीं छोड़ रहा, तो अब आप लोगों को भी अब मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐनक पहन के बैठ गया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ हकीकत नूर मुकद्दम केस के चलान की। नूर मुकद्दम केस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक हादसा होता है ना, एक्सीडेंट होता है जहाज़ का या गाड़ी का, तो उस पर भी लोग ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कंपनीज़ भी करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी करती हैं कि कैसे हादसा हुआ और क्यों हुआ और कैसे बचा जा सकता था। तो हमारे मुल्क के अंदर जो कैसे बचा जा सकता का सवाल है ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि लड़की की किरदार कशी की जाती है, करेक्टर असैसिनेशन के। वो एक सिंपल सी बात लोग करते हैं कि वो वहाँ क्या लेने गई थी, यानी वो वहाँ जाती ना तो ये होना ही नहीं था, तो सिंपल सी बात है फिर, यानी कि वो पैदा ही ना होती तो वो मरती ना। तो मैं समझता हूँ, मेरी सोच और है, मैं समझता हूँ कि जो इस दुनिया से चला गया उसकी करेक्टर असैसिनेशन करने की बजाय आप ये सोचो कि और किस तरीके से उसे बचाया जा सकता था। एक तो दरिंदे ने उसे मारा, कत्ल किया, लेकिन उसमें और कौन कौन मुलव्वस है इस कत्ल के अंदर, जो कि अगर वो ना मुलव्वस होते तो लड़की बच सकती थी। तो अब जो चलान पेश हुआ है उसके अंदर मैं पहले दिन से जो बातें कर रहा हूँ वो 100% क्लियर हो गई हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कि वो मैं अब साबित करूँगा आपके सामने कि किस तरीके से ज़ाहिर दरिंदे के माँ बाप, वो जो असमत आदमखोर वो और उसका जाकर, ये मुलव्वस हैं और किस तरीके से ये कातिल हैं, बिल्कुल, क्योंकि सहूलतकार हैं और इनको भी उसी तरीके से इनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, और किस तरीके से ये जो गरीब बराए नाम गरीब मुलाजम है और जिन्होंने अब माली ने करोड़ों का वकील कराया, ये माली कितना खौफनाक तरीके से मुलव्वस है और ये चौकीदार किस तरीके से मुलव्वस है, और वो जो अमजद है, जो सुपरमैन अमजद जिसका मैंने नाम डाला, मेरे व्यूअर जानते हैं मैंने उसका नाम सुपरमैन अमजद डाला हुआ है, क्योंकि उसने अकेले ने जख्मी हालत में उसको पीछे से जफ्फा डाल के जाहिर को काबू कर लिया था अकेले ने और जख्मी हालत में, ठीक है। और बाद में उनको, क्योंकि वो टीका लेके नहीं गए थे, कोई चीज़ें लेके नहीं गए थे, बेड शीटें वहाँ से लेके निशात लल्लन की तो उसे बांधा था, और टीके की जगह वो दिलीप कुमार को लेके गए थे वकील को, वो भी आज बात करेंगे खुल के कि वो क्या मामले सामने आए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले नंबर पे शुरू करते हैं कि नूर मुकद्दम को बहुत तरीक़ों से बचाया जा सकता था, यानी कि एक मर्डर हुआ खौफनाक लेकिन उसको बचाया नहीं गया, उसको बचाया जा सकता था, उसकी एक जान है, एक इंसानी जान है। एक बाहर के मुल्क में तो एक कुत्ता भी मर जाए तो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो नेशनल ज्योग्राफिक पर डॉक्यूमेंट्रीज आ रही होती हैं कि कैसे बच सकता था, कैसे इसको हम इसकी हम कल्पना करते हैं कि इसको कैसे बचाया जा सकता था। जहाँ पर एक इंसानी जान चली गई और हम लोग बड़ा लाइट लेते हैं क्योंकि हमें आदत है, वो कहते हैं बुराई आम हो जाए तो बुराई बुराई नहीं लगती, तो यहाँ पे जराइम आम हो जाए तो वो जराइम जराइम नहीं लगते। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इतने बम धमाके हुए कि हमें ये छोटे छोटे केसेस पे हमें हम लोग बेहिस हो चुके हैं, और हम लोग ना जब माली और चौकीदार की बात आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि जी नौकरी की फिक्र थी, कुछ कहते हैं उनको अपनी जान की फिक्र थी। मैं कहता हूँ लानत है सब लोगों पर, इन मुलाजमों पर, इन लानत है इन पर जिनको अपनी जान की या नौकरी की फिक्र थी, जिस चीज़ की मर्जी फिक्र थी, कि वो तीन बंदे थे वहाँ पे बराए नाम, एक चौकीदार, एक माली और एक खानसामा, और उन्होंने कत्ल करवाया, होने भी दिया, करवाया, मुआवनत भी की, ठीक है। और वो गरीब हैं या अमीर हैं, मैं कहता हूँ इनके मुंह पे थूकना चाहिए, ठीक है, और इनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, साफ सी बात है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको इमेजिनेशन कराता हूँ, जरा आपने इमेजिन करना है अपने ऊपर लेके जाके, मैं इस तरह करता हूँ, साफ बात है, मैं अपने ऊपर लेके जाता हूँ कि आपके पीछे एक दरिंदा पड़ गया, भेड़िया जानवर, और आप उस भेड़िए से बच के छुप के वाशरूम में छुपते हैं, उसके बाद उस भेड़िए जानवर से छुप के आप खिड़की से छलांग मारते हैं, आप एसी के ऊपर गिरते हैं, फिर आप ज़मीन पे गिरते हैं और आपको चोटें लगती हैं, आप ज़ख्मी होते हैं, आपके कपड़े फटे होते हैं, और आप भागते भागते जाते हैं और देखते हैं सामने एक इंसान की शक्ल में एक और जानवर खड़ा है, और आप समझते हैं कि वो इंसान है क्योंकि उसने शक्ल इंसान की होती है लेकिन होता वो भी जानवर है,
और आप बाहर निकलने लगते हैं घर से, और वो जानवर अपना असली चेहरा दिखाता है और वो उस दरवाजे को कुंडी लगा देता है, वो होता है चौकीदार, और वो आपको बाहर नहीं निकलने देता, और फिर आप चौकीदार के कमरे में बंद हो जाते हैं, और चौकीदार बेसमेंट के रास्ते, ये चलान में सारी बातें लिखी हैं, सीढ़ियों से नीचे चला जाता है, और आप फिर हिम्मत पकड़ते हैं जान बचाने के लिए। सोचिए कितनी तकलीफ होती है, आप जख्मी हैं और आप भागने लगते हैं, दोबारा कुंडी खोलने लगते हैं जो चौकीदार लगा के जाता है, और फिर एक और जानवर आता है माली की शक्ल में और आके आपको रोकता है और पकड़ता है और आपको बाहर नहीं जाने देता, वो होता है माली। जो माली भाग जाता है मानसेरा कि मैं तो मासूम हूँ, मैं तो गरीब हूँ। गरीब के पास एक बड़ी हथियार होता है कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे क्या पता। पुत्र अब पता लगेगा, पुलिस ने बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस को मैं कहता हूँ कमाल, 670 सफ़े का चलान बनाया पुलिस ने, और ज़बरदस्त चलान बनाया, मैं यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस पे बिला वजह आप लोगों ने कीचड़ नहीं उछालना, जो जो क्रेडिट देने वाला वो देना चाहिए, बड़ी मेहनत की है। और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से साबित हुआ कि ये दोनों ने उसको रोका, और फिर वो दरिंदा आता है और माली के पास से नूर मुकदम को घसीटता हुआ ले जाता है, और सारे तमाशा देख रहे होते हैं जो कि इसको रोकते हैं, ना सिर्फ बाहर नहीं भागने देते बल्कि रोकते हैं। ये बार बार बात करनी पड़ेगी। अच्छा खैर, वहाँ से ले जाता है, उस पर तशद्दुद करता है। अब पहले तो मैं ज़रा आ जाऊँ इन दो गरीबों पर, अभी बड़ी चीज़ें आ गई। इन दो गरीबों को बंदा पूछे कि जो लोग ये कहते हैं ना, उनको मैं जवाब देता जाऊँ कि हमारी वहाँ में पाए जाते हैं कि वो, उनको अपनी जान की फिक्र थी, उनको अपनी कमाई की फिक्र थी, अपनी नौकरी की फिक्र थी, लानत ऐसी नौकरी पर, लानत ऐसी ज़िंदगी पर। मैंने पहले बताया कि जालिम के सामने सर झुकाना से बड़ी बेशर्मी कोई नहीं। अगर आप इंसान के बच्चे हैं और इंसाफ करते हैं तो आप वहाँ से, अगर इतनी डरपोक है ना, तो आप उस लड़की के साथ खुद भी भाग जाते। आपको पता है वो जख्मी है, वो उसे मार रहा है दरिंदा, और पहले भी ऐसे हरकतें करता नशे में, आपका काम था उस लड़की को भी लेते, खुद भी भाग जाते, दफा करते, लानत भेजते ऐसी नौकरी पे, तो फिर हम समझ आती। और अगर आपको अपनी जान की फिक्र थी, साथ वाले चौकीदार में उस घर से होके आए, वहाँ पे हर घर के बाहर दो दो चौकीदार बैठे हैं, उनको कहते पुलिस को बुलाओ, फ़ोन करो, मतलब बहुत तरीके से, लेकिन आपने साथ दिया, सोच समझ के साथ दिया, और अब आपकी तो पकड़ी गई है और पकड़ी जानी चाहिए, और अब आपको भी साथ लटकाना चाहिए, साफ सी बात है, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब आएँ ज़रा अमजद पे, ठीक है, इस बेशरम पे आ जाए। ये अमजद बेशरम जो था, ये भी गरीबी का बहाना बना रहा है कि मैं गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो। अब इनकी भी तोन पकड़ी जाएगी, ये जमानत लेके बैठे हैं, जिनको बिल्कुल जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये बिल्कुल सहूलतकार है। क्योंकि ज़ाहिर दरिंदे के जो कि एक मुलजिम है, उसने जो पुलिस को बयान दिया वो बड़ा मैटर करता है, और पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, चलान बनाना होता है, और पुलिस उसी इन्वेस्टिगेशन पर सब काम करती है। लेकिन पुलिस मेहनत करती है, और अगर फ़र्ज़ करें अदालत जमानत दे दे, तो पुलिस की मेहनत पर अक्सर पानी भी फिर जाता है। फ़र्ज़ करें कैसे, कि पुलिस ने थेरेपी वर्क्स वालों को गिरफ्तार किया, उनको मुलजिम नामजद किया, शौकत मुकदम साहब ने नामजद किया, इन्वेस्टिगेशन हुई, और उनको अब जमानत मिल चुकी है। अब वो उसमें जो दो मामले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये क्लियर हुआ है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो कॉल रिकॉर्ड्स और सारा कुछ, कि जाकर जो दरिंदे का बाप है वो भी दरिंदा है, उसने फ़ोन किया थेरेपी वर्क्स वालों को और कहा कि जाओ बचाओ जाके, क्योंकि ज़ाहिर ने बयान दिया कि मेरे वालिद ने मुझे कहा कि ठीक है तुमने मर्डर कर दिया, तो मैं टीम भेजता हूँ और तुम्हें वहाँ से बचाएंगे और उसको बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, तो ये सारा मामला हल हो जाएगा। तो पुलिस को नहीं फ़ोन किया, उनको फ़ोन किया, और वो वहाँ ठिकाने ही लगाने गए थे। उसका प्रूफ सबसे पहले मैं ये देता हूँ, इनके बयानात जो कि बहुत मुतदाद है, मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ। दूसरी बात कि वो वहाँ पे थेरेपी के लिए कोई टीका नहीं लेके गए, कोई सरिंज, कोई दवाई, कोई हैंडकफ्स, कुछ नहीं लेके गए, वहाँ से बेडशीटें ली बल्कि, और अपने टीके की जगह दिलीप कुमार को ले गए जो कि एक वकील है। वो वकील को इसलिए ले गए साथ, अब अकल वाले सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन्होंने क्राइम सीन को साफ करना था। दूसरी बात कि उन्होंने वहाँ पे जब वो गए तो मोबाइल नीचे छोड़ दिया, और इनके मुताबिक इसलिए उन्होंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। लेकिन थेरेपी वर्क का मालिक कहता कि मुझे तस्वीरें आईं वहाँ से क्राइम सीन की, तो वो कैसे आईं, वो आपने अखें मार के खींची थी या आपने चुटकियाँ मार के खींची थी, वो मोबाइल से खींची थी ना, और व्हाट्सएप कैसे किया था, मोबाइल से सब कुछ मोबाइल से किया, लेकिन पुलिस का 15 नंबर भूल गए हुए थे वो, शायद इनका दिमाग में मिश्री खाने वाली हुई है, बादाम खाने वाले हुए हैं, लेकिन गलती कर गए। तो ये पूरे मुलव्वस हैं, और थेरेपी वर्क्स वाले, तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से, जो अदालत की मर्ज़ी है, लेकिन ये कोई मासूम चुने का के बच्चे नहीं है, मैं बता दूं आपको। इन सब की अभी मैं करता हूं खुली डुली क्लास, लेकिन पहले आ जाएं ज़रा ज़ाहिर के वालदैन पे। अब ज़ाहिर का जो वालदैन है, ये किस तरीके से मुलव्वस हैं, ज़ाकर और वो जो असमत आदमखोर, जो मैं भी नहीं कहता, एक तो उन दोनों बेशर्मों को, जो ज़ाहिर के अम्मा अब, उन दोनों बेशर्मों को पता था कि हमारा बेटा जानवर, पहली बात, क्या क्या पता था, अब सोचें ज़रा, क्यों उन्होंने नहीं बचाया। एक तो उनको पता था हमारा बेटा जानवर है, भेड़िया है, बेशरम है, और दूसरा उनको पता था उनके पास, बेटे के पास नूर मुकदम है, और उनको पता था कि नूर मुकदम कौन है, क्योंकि फैमिली टर्म से वो, उनके पास नूर मुकदम की फैमिली का नंबर भी था। उनको ये भी पता था कि नूर मुकदम इसके पास 3 दिन से 18 तारीख से, और उनको ये भी पता था कि नूर मुकदम पे तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मैं पागल हो गया हूँ, मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो ये सारा कुछ उनको पता था, उनको पता था, और उन्होंने उसके बावजूद
बजाय उसके माँ बाप को फ़ोन करते, उन्होंने किया थेरेपी वर्क्स को फ़ोन। वालदैन के बारे में कहा जाता है कि ये मुलव्वस हैं सहूलतकारी में। अच्छा, वो कराची बैठे हैं तो वो कैसे मुलव्वस हैं? उनके बारे में मैं बताता चलूँ कि उनको सब कुछ मालूम था जिस तरह मैंने बताया। और दूसरी, उन्होंने बहुत सी फ़ोन कॉल्स की, यानी कि लोगों को कत्ल से पहले भी, कत्ल के बाद भी, लेकिन उन्होंने दो लोगों को फ़ोन कॉल नहीं की। एक पुलिस को, ठीक है जी, वो ये बायस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने नूर मुकदम के वालदैन को भी नहीं की जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, और उनको पता था कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और वो किडनैप थी उनके बेटे के पास, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, हालांकि फैमिली टर्म्स से। फिर उन्होंने ज़ाहिर को बचाते बचाते उन्होंने सोचा कि ये मामला हैंडल कर लेंगे। अगले दिन ईद वाले दिन उसकी वालदा आ गई, अपने घर नहीं गई, एफेट में रहीं, और उन्होंने उस टाइम भी कोशिश की। तो ये आखिर तक बचाने की कोशिश करते रहे जब तक इनकी अपनी धुन नहीं पकड़ी गई, साफ सी बात है। और कहने का मकसद ये कि सहूलतकारी तो अपनी जगह, इन पे ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक मर्डर होने दिया और उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और फिर मर्डर होने के बाद इन्होंने थेरेपी वर्क्स की टीम को भेजा वहाँ पे उस क्राइम सीन को साफ करने। और फिर वो जिस तरह थेरेपी वर्क्स के सीईओ भी कहते हैं ताहिर ज़हूर के, जब मैंने इसके वालद को फ़ोन किया तो मुझे उसकी वालद की आवाज़ से लगा कि ये तो बड़ा नॉर्मल है और इसको कोई परेशानी नहीं हुई, कोई हैरानगी नहीं हुई। तो अब ये मैं सिर्फ समरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है मैंने इस पर इतनी वीडियोस बनाई हैं और साबित किया कि इसके वालदैन मुलव्वस हैं, ठीक है, उस पर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब बात ये करनी है कि चलान में भी ये चीज़ें साबित हो गई कि थेरेपी वर्क्स, अमजद और ये वालदैन और ये मुलाजम, ये सब मुलव्वस हैं, और किस किस तरीके से मुलव्वस हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, उसमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से माली ने रोका चौकीदारों ने। तो अब इनको जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कोई हमारे मुल्क में चोरी का बंदा पकड़ा जाए ना, तो उसको तो पुलिस लितर मारती, छितर मारती, और सज़ा तो बाद में होती है अदालत में केस तो बाद। इनको तो पहले छितर पड़ने चाहिए थे, ठीक है, केस तो बाद में, सज़ा तो बाद में, इनके तो मुंह पे छितर पड़ने चाहिए थे, ठीक है, कि बेशर्मो तुमने ये क्या हरकत क्या की है, सबके जितने भी वसूलतकार हैं, और ये कोई एक नहीं, क्योंकि इनको तो बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये तो बड़े सुकून से आते जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि चलें जो भी है, अब जो सूरत हाल होगी, चलान पेश हो गया, छितर नहीं पड़े, अब केस चल पड़ा, अब पुलिस को ने अपना काम कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कर दी, अब अदालत को चाहिए कि इस केस को दो काम तो लाजमी करे, एक तो स्पीडी ट्रायल और दूसरा किसी को ना छोड़े। और ये जो जमानतें की हुई हैं, इसकी दरख्वास्त दी हुई है हाई कोर्ट में शौकत मुकदम साहब ने कि ये खारिज, इनकी जमानतें रिवर्स की जाएँ, मुस्तरद की जाए इसकी, और ये गलत फैसला हुआ है, और बिल्कुल ठीक बात है, ये वापस होनी चाहिए, इनको सबको अब जेल में डालना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ये हमारी अपील है। और अगर अवाम चाहती है कि ऐसा हो, और अगर अवाम में माली जान मोहम्मद और वो इफ्तखार चौकीदार जैसे लोग नहीं हैं, और जाकर वो असमत आदमखोर जैसे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने अब सपोर्ट करनी है नूर मुकदम को। सपोर्ट कैसे करनी है, वो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, अब मैंने कुछ नई चीज़ें की हैं। आपने हर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर के पास जाना है, ये वीडियो शेयर करनी, मतलब ये शेयर करें, उनके ट्विटर के अकाउंट के नीचे जाके शेयर करें, फेसबुक के अकाउंट के नीचे शेयर करें, और उन्हें एक साथ लिखना है कि नूर मुकदम को सपोर्ट करो, अपनी आवाज़ उठाओ। ये मेरा पैगाम भी है कि जितने भी हैं सेलिब्रिटीज़, माहिरा खान जैसे, जुनेद अकरम जैसे, यूट्यूबर हो गए, फिर कोई भी एंकर हैं, सबको आपने जितना आपकी हिम्मत है उतना करें कि ये आवाज़ जो दब चुकी है, पीछे जा चुकी है मीडिया से और हर चीज़ से, ये उठाई जाए और हुकूमत को कहा जाए कि खुदारा एक रिक्वेस्ट है, हम कर सकते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द करें। वो नूर मुकदम की एक रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके वालद की जगह अपने आप को रख के देखें, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से एक बेटी को पाला जाता है और उसके साथ इतनी ज़्यादती हो, और उसका सर उतार के साइड पर कर दिया जाए, बॉडी अलग कर दी जाए, तो उस वालद पे क्या बीतती है। मैं हिम्मत करता हूँ, सलूट है उसके वालद को, कि उसके वालद की हिम्मत है कि कैसे वो बर्दाश्त करके बैठा है, और सलूट करता हूँ। लोग कहते हैं वो मीडिया से बात नहीं करता, मैं कहता हूँ शुक्र करें वो केस लड़ रहा है, बंदे में हिम्मत नहीं होती, बंदा टूट जाता है, ठीक है। और इमेजिन करें ज़रा एक सेकंड के लिए कि नूर मुकदम किस कैफियत और कर्ब से और तकलीफ से गुजरी कि एक जानवर उसको पढ़ रहा है, उसको खा रहा है, उसको मार रहा है, और वो वहाँ से भागी और आगे से दो जानवर उसे और मिले जो कि चौकीदार और माली। तो इनका भी नाम आए थे जानवर आए, चौकीदार और माली, और माली के बारे में और बड़ी बातें सामने आ रही हैं, उस पर मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि वो पहले भी ज़ाहिर दरिंदे के केसेस कुछ पाता रहा है और बॉडीज दफनाता रहा है, लोग कह रहे हैं, लेकिन उसकी अभी ऑथेंटिकेशन नहीं हुई, लेकिन उस पर रिसर्च ज़रूर होगी कि माली का क्या ऐसा करदार है कि उसको बचाने के लिए दो महंगे वकील करा दिए गए उसको बचाने के लिए, तो वो भी होगी, छोड़ूंगा नहीं इनको, ठीक है, सारी बात होगी। अखां भावें ठीक नहीं या जो भी है, लेकिन देख लो, ठीक है। तो हूँ मैं अगर वीडियो बनाना आ गया इस हालत से, अब मैं आपको अपनी हालत पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरी इस तबीयत मतलब काफ़ी ख़राब थी पिछले कुछ दिनों से, मेरे व्यूअर्स जानते हैं,
और आज ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं 6-7 घंटे हॉस्पिटल था और मेरे काफ़ी टेस्ट भी हुए और दवाइयाँ भी, मतलब मुझे मेडिसिन भी मिली, और ये सारा मामला है। और ये सारा एक बेसिकली मेरे पिछले 1.5 साल पहले न्यूरो सर्जरी हुई थी दिमाग की, यानी कि सर्जरी हुई थी, एक मेरी वीपी शंटिंग हुई थी, तो वो न्यूरो सर्जरी की वजह से मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे जो कि अब दोबारा आए थे, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ आज, और ये पिछले 6 हफ्ते से चल रहा है। वैसे तो कहने का मकसद ये है कि ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो व्यूअर्स देखते हैं उनको होती है कंसर्न कि ये मामले के सूरत हाल के बावजूद मुझे मना किया गया था वीडियो ना बनाओ, आज रहने दो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। जब मैंने ये माली का किरदार कन्फर्म हुआ, मुझे पता था इनके किरदार का और चौकीदार किरदार का कन्फर्म हुआ, और सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा चढ़ा जब मैंने TV पर एक खबर सुनी कि लोग कह रहे हैं कि माली तो गरीब था, तो इस तरह की बात सुनी तो मुझे बड़ी गुस्सा चढ़ा कि ना ना, गरीब है अमीर है, जो चपेड़ों का हकदार है चपेड़ों का हकदार है, जो सजा का हकदार है सजा का हकदार है, जो थुक का हकदार है थुक का हकदार, ये सारे बेशरम हर चीज़ के हकदार हैं, लानत के हकदार और सजा के हकदार भी। तो मैं उसी टाइम उठा और मैंने समझ नहीं आई कि वीडियो कैसे बनाऊँ, मुझे रोशनी में कुछ नज़र ही नहीं था आ रहा, मतलब मेरे आगे वो धुंधला सारा। जब ऐनक पहनी तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा गुजारा हो गया हल्का फुल्का कि एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ जाके, तो बोल लेता हूँ। तो ये आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों ने भी अब सपोर्ट करना, नूर मुकदम को पीछे नहीं हटना, चुप नहीं रहना, और ये केस जल्दी से जल्दी इसका फैसला करवाना है, और ये सब जानवरों को सजा दिलवानी है, बहुत खौफनाक हुआ है। काइंडली वीडियो को शेयर कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। ये ड्रामा और हकीकत ड्रामा अंडरस्कोर और हकीकत ये है इंस्टाग्राम का मेरा आई डी, अगर किसी ने बात करनी है तो वहाँ पर कर सकता है। ज़रा आँखें ठीक हो जाएंगी तो मैं जवाब दे दूँगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।